हेलो दोस्तों, अगेन फाइलम 9 अर्थोपोडा। अर्थोपोडा मतलब अर्थो मतलब ज्वाइंट होता है, पोडा मतलब लेग होता है। सबसे पहले का लक्षण इसका यही हो गया, ज्वाइंट लेग। फाइलम प्रपोज बाय बॉन्सिन बोल्ड, एक वैज्ञानिक है। बॉडी कवर बाय काइटिनस। देखिए काइटिनस इससे पहले कहाँ आया था, देख सकते हैं एनेलिडा में। कैटिनस इसमें भी है, मतलब कठोर होगा हल्का। बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन, हेड, थोरक्स, एब्डोमेन, तीन भाग में पाया गया। इसको हिंदी में सर, थोरक्स मतलब हो गया वच, एंड एब्डोमेन मतलब पेट। तीन हिस्सा में इसका शरीर बटा हुआ है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज। ओपन क्लोज में कुछ अंतर, जैसे कि सर्कुलेटरी सांस, सर्कुलेटरी सांस मतलब सांस नहीं, मतलब कि शरीर में खून का प्रवाह होना सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। अब क्लोज और ओपन कैसे देखना पड़ेगा कि शरीर हमारा जो ब्लड है या किसी और का जो ब्लड है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसको कहते हैं, वो ऑक्सीजन ढोने का काम करता है। तो ऑक्सीजन लेता कैसे है, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, उसी में ये सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन। इसका अलग से क्लास आपको ले दिया जाएगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोसाइनिन, इसमें भी कॉपर पाया जाता है, मतलब कॉपर जब भी पाया क्या होगा, ब्लू होगा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट में भी अब्सेंट, किसी किसी में होगा भी नहीं। कॉकरोच को देख लीजिए, उसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गेन आर गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रैकिया। गिल्स मतलब पानी में रहता है, बुक लंग्स मतलब जमीन पर आ रहा है, ट्रैकिया जमीन पर आ रहा है। इसी कारण ये हर जगह पाया जाता है, अर्थोपोडा हर जगह पाया जाएगा आपको, इसीलिए सबसे बड़ा है ये ना। नर्वस सिस्टम वेल ऑर्गेनाइज, नर्वस सिस्टम पूरा ऑर्गेनाइज होता है इसमें। मोस्टली फ्री लिविंग फ्यू पैरासाइट, देखिए अधिकतर इसमें फ्री लिविंग फ्यू पैरासाइट। अब माथा में पाया जाना ढील जिसको कहते हैं ना, टर्माइट इसको भी कहते हैं। तो कैसे है, आपका खून पी के जिंदा रह रहा है। एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल दोनों में जगह पाया जाएगा। लार्जेस्ट फाइलम है, एक पॉइंट है आपको ये रखिएगा, लार्जेस्ट फाइलम है ये। बुक लंग्स होता कैसा है, देखिए किताब को रखिएगा कभी टेबल पर, रैक में देखिए ऐसे रखिए, यही है बुक लंग्स। क्या है बुक लंग्स? एस्क्रेटरी बाय मालपेगियन ट्यूबल्स। एग्जाम्पल में इसका देखिए, लिमुलस, हॉर्स शू क्रैब, घोड़ा, नाल, देखें नाल, नाल की तरह इसका रचना होता है, बहुत बड़ा होता है। किंग क्रैब कहते हैं, कोकरा, केकरा जो होता है केकरा, किंग क्रैब मतलब केकरा का राजा। लिविंग फॉसिल, अब लिविंग फॉसिल एक नया टर्म आया आपके लिए। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या होता है तो जिंदा, लेकिन फॉसिल मतलब होता है जो मर गया। इस लिविंग फॉसिल का मतलब होता है कि इसका जनसंख्या इतना कम है कि मत पूछिए, इस आदमी बहुत पकड़ के खा गया, मार दिया, शिकार कर लिया। तो लिविंग फॉसिल का मतलब हो गया कि एक्सटिंक्शन मतलब कि विलुप्त होने के कगार पर। लिविंग फॉसिल का असली अर्थ होता है यही, विलुप्त होने के कगार पर है ये। इसका संरक्षण किया जा रहा है। टिक्स, माइट्स, स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, यह कैनाबलास्टिक। देखिएगा आम तौर पर बहुत से आदमी ये यूज कर देंगे, जो आदमी को खाएगा उसको कैनाबलास्टिक कहेंगे। नहीं, कैनाबलास्टिक का मतलब होता है एक स्पीसीज अपने ही स्पीसीज को मार के खा जाए, जैसे इंसान इंसान को मार के खा जाता है कैनाबलास्टिक, सांप सांप को मार के खा जाता है कभी कभी कैनाबलास्टिक, स्कॉर्पियन, स्पाइडर, देखिए एक स्पाइडर दूसरे के स्पाइडर को खा जाता है कैनाबलास्टिक। कैनाबलास्टिक का मतलब होता है सेम स्पीसीज को खा जाना, कैनाबलास्टिक। बेलेनस क्रैब मतलब केकरा, प्रॉन मतलब झींगा मछली। अब देखिए कुछ इंसेक्ट के बारे में आपको लिखा, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो, बटरफ्लाई, हनी बी, मौथ, सिल्क मौथ। तो देखिए मौथ और बटरफ्लाई देखने में आपको समान लाएंगे,
लेकिन बटरफ्लाई का जो पंख होता है ना, पंख वो 90 डिग्री पर आपको घूम जाएगा और मुड़ जाएगा, समझे। जब पंख को ऊपर ले जाएगा ना, वो एक पंख दूसरे पंख से चिपक जाता है, फिर से खोलेगा, फिर मतलब कि 180 डिग्री कह सकते हैं उसको आप, पूरा पूरा वो पंख खोल के घूमे। मान लीजिए तितली है, इसका पंख ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ पर लाएगा ना तो मिल जाएगा, समझे। लेकिन मौत का है, मान लीजिए यहाँ उसका पंख है, यहीं तक ला सकता है, ज़्यादा दूर तक नहीं ला सकता। देख लीजिए अंतर, देख लीजिए, यही है सील को मतलब कि बटरफ्लाई और मौत में अंतर। वो भी रंगीन होता है, ये भी रंगीन होता है, इंसेक्ट होता है, देख लीजिए, हाउस फ्लाई, मस्कीटो, बटरफ्लाई, हनी बी, मौत एंड सिल्क मौत। इंसेक्ट, इंसेक्ट जो एनिमल किंगडम में आ गया, फाइलम नाइन ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट एक क्लास है, ये क्लास सबसे बड़ा क्लास है, समझे। 6 लेग इसका हमेशा प्रेजेंट ही होगा। इसका देखिए आप बॉडी कितना डिवाइडेड है, 3 हिस्सा में। तो ये मान लीजिए हेड हो गया इसका, इसका ट्रंक हो गया, एब्डोमेन, एब्डोमेन, एक दो तीन, एक दो तीन, क्या लिखा हुआ है, 6 लेग आर ऑलवेज प्रेजेंट। 6 लेग होगा ही होगा, जरूरी है, जरूरी है, इसीलिए इसका नाम हेक्सापोडा भी है। क्या नाम है, हेक्सापोडा। हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब पैर, हेक्सापोडा। जनरली 4 विंग्स आर प्रेजेंट, 4 पंख भी पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिसमें पंख नहीं होता है, जैसे कि सिल्वर फ्लाई, इसमें नहीं होता है ये, इसको बुक इंसेक्ट भी कहते। देखिए कभी कभी पुराना पुस्तक जो खोलिएगा ना, तो एक सिल्वर कलर का मतलब चांदी कलर का एक कीड़ा निकल के भागेगा, देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो।